बताइए मैडम, क्या बात हो गई? पहले तो गाड़ी से नीचे उतर के तमीज से खड़ा हो जा, फिर बात करना मुझसे। कमाल की बात है मैडम, ना तो मैंने आपके साथ में कोई बदतमीजी की है ना और कुछ, फिर आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करें? और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मुझे रोका क्यों है। अरे आप मेरा ऐसे कैसे 20,000 रुपए का चालान काट सकती हो? पहले मुझे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। बोला ना, चुपचाप खड़ा रहे, मेरे सामने ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। और तुझे क्या लगता है, तू खोजी तो बिना हेलमेट निकलेगा, तेरा चालान नहीं कटेगा। ये वर्दी ना कुछ भी कर सकती है। मैडम आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए, मेरी छोटी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं जल्दबाजी में हेलमेट लगाना भूल गया। चल चल, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी की आरसी और तेरा लाइसेंस निकाल। देखिए मैडम, मैं अभी तक ड्यूटी से घर भी नहीं।